नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाल मिश्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि राहु से निकले भाग रेखा आपको कैसे सेठ बनाती है, कैसे अमीर बनाती है, आप अपनी लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं, जिंदगी में कैसे ऊंचाइयों पर उठते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है और ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है कि हमारी मस्तिष्क रेखा हम किसी बात को कितनी गहराइयों तक सोचते हैं उसके बारे में बताती है। यह हमारी हृदय रेखा हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है, हमारा प्यार कितना है उसके बारे में बताती है। सबसे पहले हमने अचानक से या आपको अमीर बनाने वाली कुछ क्वालिटियां बताते हैं, कैसे आदमी एक्टिवेट होता है अपने लाइफ में, सक्सेस कैसे हो जाता है, आज समय कैसा भी है, आने वाला समय उसका कैसे बेहतर होता है। सबसे पहले ये बुध की जो फिंगर है, बुध की फिंगर बड़ी होनी चाहिए और इस सन के पहले पोर से बड़ी होनी चाहिए और इसके ऊपर ये खड़ी लाइनें, आज वक्त कैसा भी है आपका, आने वाला समय एक दिन ऐसा होगा कि आप अमीर अवश्य बनेंगे। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं व्यापार में एक अच्छे गुण पैदा करते हैं और इनके अंदर की क्वालिटी होती है बोलने की कला, बहुत माहिर होते हैं ऐसे लोग, बॉडी को बहुत मधुर बनाती है, व्यापार कुशलता होती है इनके अंदर। इसी के साथ हम सूर्य की फिंगर को देखते हैं। सूर्य की फिंगर बड़ी होनी चाहिए और सूर्य का पर्वत भी समान रूप से उठा होना चाहिए और इसके ऊपर एक सूर्य की रेखा हो, एक सूरज की रेखा। ऐसे लोग एकलव्य की तरफ होते हैं, अपना निशाना सही मारने वाले होते हैं, मछली की आंख पे अपने हर चीज को बड़ी सावधानी से करते हैं, सतर्कता के साथ करते हैं, लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, नेम फेम कमाते हैं ऐसे लोग। आज भी बेहतर है, इनकी लाइफ में होने वाली हर चीज एक्टिविटी को परख जाते हैं, समझ जाते हैं, कुशलता होती है इनके अंदर बहुत अच्छी। और यहाँ पर एक ज्ञान रेखा, ऐसे लोगों का ज्ञान दूसरों के बड़े हित का काम करता है, अपना तो करते ही हैं, दूसरों को भी काफ़ी हित का काम करते हैं लोग, ऐसे इनके पास सलाह लेने के लिए काम आते हैं और ये दूसरों को सलाह देते भी हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पर एक इस हमारे सूर्य के पर्वत के नीचे हृदय रेखा के ऊपर एक वर्गाकार बनता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी को दर्शाती है ये। एक समय आएगा कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग बनता है। और यहां से हम देखते हैं भाग रेखा। भाग रेखा जब हमारी चंद्र के छेद से चलती है, चंद्र का पर्वत मन का कारक होता है, विचारों का होता है, ऐसे लोगों का जो बचपना होता है काफ़ी संघर्षमय होता है, काफ़ी कठिनाइयां ऐसे लोगों को झेलने का समय मिलता है। आज समय इनका कुछ भी है, जब तक ये घर से दूर नहीं जाते हैं, विवाह के बाद इनका भाग्योदय होता है या घर से दूर ही इनका विकास होता है। और यहीं से ये हमारा राहु का क्षेत्र है, राहु के क्षेत्र से निकली हुई भाग रेखा। राहु क्या करता है, शनि की तरह काम करता है, शनि भाग को बढ़ाने का काम करता है और राहु उसके गुणों को और बढ़ा देता है। जैसे कई लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं लॉटरी से या सट्टे से,
वो राहु ही काम ऐसा है, जो राहु एक ग्रह है, छाया ग्रह है, वो हमारे हर काम को इमोशनल कर देता है, हर काम को जल्दी करने का करता है, जो हम सोचते हैं उससे ज़्यादा मिल जाता है। कई बार हमारी सोची हुई चीज़ें हमें नहीं मिलते, उससे हमें ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। लेकिन अगर यही राहु के क्षेत्र से एक रेखा, हमारी भाग्य की रेखा के सीधा शनि के पर्वत की तरफ पहुंचते हुए सूर्य की तरफ देखे, ऐसे लोगों का आज बेहतर नहीं है, लेकिन आने वाला समय एक दिन इनका बहुत बेहतर होगा, अपने हर उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ऐसे लोग मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल करते हैं। और यहां पर एक यस साइन बनी हो, यस साइन ऐसे लोगों का जो नेम फेम काफी इनको मिलता, प्रसिद्धि मिलती है जिंदगी में, हर वो ऊंचाइयां पाते हैं, उसकी वजह से काफी इनका एक बहुत बड़ा फेमस होते हैं ऐसे लोग, और जिंदगी में नाम करते हैं ऐसे लोग, इनकी पहचान होती है। अब ये जो भाग्य रेखा राहु से निकल के जा रही है, आपको अचानक अमीर बना रही है। समय आज कैसा भी है, कल को आने वाला समय आपका बहुत बेहतर होगा। और यहीं से एक रेखा गुरु की पर्वत की तरफ देखती हो, आपका भाग उदय के साथ साथ आपको नेम फेम मिलने वाला है, मान सम्मान मिलने वाला है। ऐसे लोगों को राजनीतिक सपोर्ट मिलता है, एक पहचान होती है बड़े बड़े लोगों के साथ, सरकारी लाभ मिलता है, और इनका ससुराल जो होता है पैसों वाला होता है, सरकारी ठेकेदारी भी ऐसे लोग करते हैं। और इसी के साथ एक रेखा भाग रेखा और हो, बिजनेस में तरक्की, एक के साथ एक बिजनेस और चल पड़ता है ऐसे लोगों का, और जिंदगी में हर वो ऊंचाइयां पाते हैं। अब इसी के साथ ये गुरु का पर्वत, ये शुक्र का पर्वत, ये दोनों पर्वत उठे होने चाहिए। आज कैसा भी स्थिति है इनकी, आने वाला समय बहुत बेहतर होगा। गुरु का पर्वत विस्तार का ग्रह माना जाता है, शुक्र का पर्वत हमारे सुखों का माना जाता है। ऐसे लोगों का जो प्रेजेंटेशन होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, हर चीज़ की वो खुशियाँ पाते हैं। जो शुक्र का पर्वत अगर उठा है, साथ में गुरु का हो, शुक्र और गुरु का कम्बिनेशन इंसान को बहुत तरक्कियाँ दे रहा है। और यहां पर बनी भाग्य रेखा अचानक से धन की प्राप्ति करवा रही है, और इसी के साथ ये ऊर्ध्वमुखी रेखा, ये ऊर्ध्वमुखी रेखा ऐसे लोगों का विकास, उनके मनोबल को बढ़ाना, सक्षम बनाना, ये जो हमारी विकास की रेखा है, प्रोग्रेस की रेखा है, आने वाले समय में आज इनका बेहतर समय और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, अपने हर वो मुकाम को करते हैं। आज इनका बचपना कैसा था, लेकिन आज की स्थिति इनकी देखते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, ऐसे लोग बड़े अमीर बन जाते हैं। और एक ये बुध, ये जिसको हम बोलते हैं, माफ़ करना, ट्रायंगल, ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत पैसे इकट्ठा करते हैं, अमीर बनते हैं, सेठ बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।